कुर्सी पर गांव में 3 साल पहले मैं संगठन के बीच उनकी हक अधिकार के जानकारी देने के लिए जाती थी तो गांव में निस्तारी जल की किसी तरह से समस्या नहीं थी। लेकिन जब मैं हाल में कुर्सी पर पहुंची और लोगों से गांव की हालचाल पूछने लगी तो तुरंत पता चला कि निस्तारी जल की काफ़ी संकट हो रही है। और उसी समय अचानक मैं तालाब की दृश्य देखी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। और यहाँ तो लगातार 3 साल हो गए है, सूखा पड़ गया तालाब है। तालाब यहाँ भरी टोला हम नहाने जाते हैं, यहाँ नहा बच्चे वच्चे सब वहीं जाते हैं नहाने। और यह कपड़ा का भी धोने का परेशानी होता है। हमारे गांव में तालाब है, फिर तालाब सूखा रहता है गर्मी के दिनों में, 3 किलोमीटर दूर नहाने जाने पड़ती है। गांव छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के जानी पड़ती है। हमारे गांव में ग्राम पंचायत में आवेदन दे चुके हैं, ग्राम सुराग में भी, फिर सरकार की ओर से कोई यही नहीं है बोर के बारे में। जीवन में पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है, पानी के बिना जीवन अधूरा है। और कुर्सी पर गांव में निस्तारी जल की जो समस्या है उसके लिए सरकार को एक बोर खुदवाना चाहिए ताकि निस्तारी जल की जो समस्या हो रही है उससे कुर्सी पार के ग्रामवासियों को मुक्ति मिल सकती है। और हैंडपम्प है वो मन तो कोई काम के नहीं है, 3 साल हो गए हमारे तालाब बिल्कुल सूखा है भाई। तो ओकरे पर हमन हाँ बोलना चाहत हन। और हमारे गांव में वैसे आबादी तो 500 है जनसंख्या। जब इस तरह से समस्या से उलझते हैं तो उन लोगों की जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि इस तरह से जो समस्याएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंबागढ़ चौकी में, इस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे आदिवासियों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़ इंडियन हट के लिए।